हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान जी का बचपन वाला घर। जी हाँ दोस्तों, मैं बचपन वाला घर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बड़ी कहानी है। दोस्तों, जब शाहरुख खान जी अपनी पत्नी यानी अपने प्यार गौरी खान से जब शादी कर लिए थे, तो फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे। और जब वो मुंबई शिफ्ट हुए, तो जिस घर में वो पहले रहने के लिए आए थे, वो घर कहाँ पर है, कैसा है, क्योंकि जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई दीवाना, तो उन्होंने उस घर को ख़रीदा था, तो उनकी यादें उस घर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। फिर हमारे शाहरुख खान जी का घर वो कहाँ पर है मुंबई में, क्योंकि इस टाइम लोग सिर्फ उनके एक ही घर को जानते हैं, वो भी मन्नत को। लेकिन ये पता नहीं होगा किसी को कि वो मन्नत से पहले जिस घर में रहते थे ना, वहीं पे अपनी किस्मत को आजमाना शुरू किए, और उसी घर से उन्होंने अपनी बुलंदियों को छुआ, और जाकर 2001 में उन्होंने मन्नत बंगलों को ही खरीद लिया। तो जो उनका स्ट्रगल रहा है ना, वो पहले 3 BHK अपार्टमेंट में ही रहते थे, उसके लिए वो कितना किराया देते थे या उन्हीं का वो घर था, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज, आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। उनका घर मुंबई के कार्टर रोड पर पहले था, तो अभी हम वहीं पर मौजूद हैं और हमारे बगल में ही उनका वो घर है। तो आइए चलिए देखते हैं कि उनका घर वो कैसा है और अभी उस घर में कौन कौन से लोग रहते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं शाहरुख खान जी के पुराने वाले घर के ठीक सामने, और पहले शाहरुख खान इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिल पर अपनी पत्नी गौरी खान के साथ रहा करते थे, और जो उनके बड़े बेटे हैं ना आर्यन खान, उनका जन्म भी इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिल पर भी हुआ था, यानी इसी घर में उनका जन्म भी हुआ था। ये जो सबसे ऊपर वाला फ्लैट आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इसी फ्लैट में शाहरुख खान जी पहले रहा करते थे। ये 3 BHK अपार्टमेंट है, वो जब मुंबई आए थे तो इसी घर को उन्होंने ख़रीदा था। दोस्तों, आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है अमृत, और ये क्वार्टर रोड पर स्थित है, और ये बिल्डिंग का वी विंग है, और ए विंग जो है वो ये बिल्डिंग है, यानी दो विंग है इसमें, ए विंग और वी विंग। तो शाहरुख खान जी वी विंग के 7वें मंजिल पर रहते थे। इसके सामने का इलाका पूरा सी फेसिंग इलाका है, यानी पूरा समुद्र का नज़ारा यहाँ से दिखता है। आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ अपने पीछे बैक कैमरे से, देखिए यहाँ पर पूरा समुद्र का नज़ारा दिखता है, और ये मुंबई के कार्टर रोड पर स्थित है। यहाँ पर रोज़ाना लोग घूमने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, टहलने के लिए भी आते रहते हैं। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको इनके घर के मेन गेट की तरफ ले चलता हूँ। इनका ये वाला घर भी काफ़ी शानदार था, लेकिन अब वो इसमें नहीं रहते हैं। लेकिन आज जिस मुकाम पर शाहरुख खान पहुँचे हैं ना, वो इसी घर के बदौलत पहुँचे हैं। जब से इस घर में वो आए थे, तब से उनके साथ सब कुछ सही हो रहा था, और वो अपनी बुलंदियों को छूते हुए आगे बढ़ते चले गए। देखिए यहाँ पर लिखा है कार्टर रोड 15, और इधर अमृत AV लिखा हुआ है। ये उनके घर का मेन गेट है, और इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिल पर शाहरुख खान पहले रहते थे। शाहरुख खान ने साल 1991 में 25 अक्टूबर के दिन अपने प्यार गौरी खान से ना शादी करके एक नई जिंदगी का सफ़र शुरू किया था। इसके बाद शाहरुख खान लगातार जी तोड़ मेहनत करते हुए अपना हुनर आजमाते रहे, और जल्द ही उनकी मेहनत ना रंग लाना भी शुरू कर दी, और उन्हें सबसे पहले TV सीरियल फौजी मिल गया। फौजी के बाद शाहरुख खान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शादी के बाद शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए, और यहां शाहरुख खान ने 3 BHK का फ्लैट लिया, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे ऊपर वाला, यही वो फ्लैट था जो उन्होंने लिया था। जहाँ शाहरुख खान का फ्लैट था, उस बिल्डिंग का नाम है अमृत। मैं आपको जिसका ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये ए विंग है और वो वी विंग में रहते थे। और फिर शाहरुख खान की फिल्म आई थी दीवाना, जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट रही थी। और मुंबई आने के बाद इस 3 BHK के फ्लैट में शाहरुख खान और गौरी खान ने कुछ साल बिताए। इसके बाद 13 नवंबर 1997 को शाहरुख खान और गौरी खान ने अपने बेटे आर्यन खान को भी जन्म दिया। आर्यन खान का जन्म भी ना इसी फ्लैट में हुआ था। शाहरुख खान की बढ़ती शोहरत लंग लाई, और जल्द ही वो एक बड़े सितारे उभर कर सामने आ गए। साल 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने उन्हें रोमांस का किंग बना दिया। कुछ ही सालों के संघर्ष के बाद शाहरुख खान एक बड़ा नाम बन गए। आपको बता दें, इसके बाद शाहरुख खान ने साल 2001 में 6 माले के बंगले
मन्नत को खरीद लिया। मन्नत का नाम शाहरुख खान ने रखा था। इससे पहले इस बंगले का विला वियना और अब उस घर का नाम है मन्नत और उस घर की प्राइस लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं शाहरुख खान ने अपने पहले घर को किराए पर लगाया हुआ है। जिस बिल्डिंग को मैं आपको दिखा रहा हूं जहां वो पहले रहा करते थे उस घर को उन्होंने किराए पर दे दिया है। आप लोग देख सकते हैं यही वो बिल्डिंग है जहां पर पहले शाहरुख खान रहते थे जब वो मुंबई आए थे अपनी पत्नी के साथ। तो ये वही बिल्डिंग है। आपको बता दें कि शाहरुख खान इस घर को बहुत ही लकी मानते हैं। यही वजह है कि आज भी उन्होंने अपना ये घर बेचा नहीं है। साथ ही घर की उनके नाम की नेम प्लेट भी अभी भी वहां पर लगी हुई है और इस घर को उन्होंने किराए पर दे रखा है जो कि मुंबई के कार्टर रोड पे स्थित है। आपको बता दें इतना ही नहीं, शाहरुख खान के पास दिल्ली से लेकर यूरोप दुबई अमेरिका तक कई सारे प्रॉपर्टी के ये मालिक हैं, लेकिन ये अभी मुंबई के जो कि यहाँ पर मन्नत घर है उनका बांद्रा बैंड स्टैंड पर वहीं पर रहते हैं। और ये है शाहरुख खान जी का पहला घर जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी बिल्डिंग में शाहरुख खान सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए आए थे और इसी 3 BHK अपार्टमेंट को उन्होंने खरीदा था। ये बिल्डिंग काफ़ी खास थी, क्यों? क्योंकि सामने का नज़ारा देखिए, पूरा सी फेसिंग इलाका है, पूरा समुद्र का नज़ारा दिखता है और इनकी ये बिल्डिंग ये सामने है। आप लोग देख सकते हैं ये पहले भी सी फेसिंग पर ही रहते थे और अभी भी बांद्रा बैंड स्टैंड के सी फेस पर ही इनका मन्नत बंगलो है। तो शाहरुख खान का बचपन वाला घर इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि ये यहीं से अपनी बुलंदियों को हासिल किए हैं और अपने प्यार गौरी खान से शादी करने के बाद ये इसी घर में 3 BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। तो गाइज उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मैंने आपको शाहरुख खान का मुंबई का पहला घर दिखाया है, बचपन वाला घर दिखाया है, उनकी कामयाबी जहां से मिली है उस घर को दिखाया है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये ब्लॉग ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।